नोएडा में इको विलेज दो सोसाइटी के निवासियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सोसाइटी से बाहर निकलने पर अपनी चेन मोबाइल की सुरक्षा खुद रखने की सलाह दी गई है। दरअसल रविवार के दिन सोसाइटी के गेट पर महिला से चेन स्टिचिंग की कोशिश हुई थी, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी के बाहर पुलिस गश्त बढ़ाने और पुलिस चौकी बनाने की मांग की। मामले का संज्ञान लेकर बिस्तरा केसीपी ने सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। पुलिस ने घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज टू सोसाइटी के लोग इन दिनों छिनैती की घटनाओं से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी के गेट पर अक्सर बाइक सवार बदमाश आते हैं और लोगों के मोबाइल या चैन लूटकर फरार हो जाते हैं। इस तरीके की कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन अपराधियों पर सही कार्रवाई न होने का आरोप निवासियों द्वारा लगातार लगाया जाता रहा है। अब एक एडवाइजरी जारी की गई है सोशल मीडिया ग्रुप पर, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने सामान की स्वयं रक्षा करें और घर से बाहर जाते हुए चैन या मोबाइल जैसी चीजें ना लेकर जाएं, और अगर लेकर जाएं तो उसकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखें। इस मैसेज के सोशल मीडिया पर आने के बाद बिचरक थाने के एसीपी लोगों के बीच में पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि जो भी लोग इस तरीके की घटना में को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल सुबह की अगर बात की जाए तो दो बाइक सवारों ने एक महिला की चैन लूटने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ा और लगातार सोशल मीडिया पर एक्स पर लोग इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि सोसाइटी के पास कोई पुलिस चौकी बनाई जाए या वहां पर पुलिस की गश्त लगातार लगाई जाए, जिसके चलते घटनाओं पर आने वाले समय में लगाम लगाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। तो गाजियाबाद में चोरों की हो जब